खबर का रुख करते हैं। आखिरकार आरयूएचएस के अच्छे दिन आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 16 सीनियर डॉक्टर आरयूएचएस भेजे गए। मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन, डॉक्टर आराधना शर्मा, डॉक्टर सुचित्रा गढ़वाल, कार्डियोलॉजी से डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा, गैस्ट्रोलॉजी से पेटू जयनाथ, सर्जरी से डॉक्टर हनुमान राम, डॉक्टर राम बाबू मीना, न्यूरो सर्जरी से डॉक्टर रोहित बाबेल, एएनटी से डॉक्टर विकास रोहिला, ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, पीडियाट्रिक मेडिसिन से डॉक्टर आलोक उपाध्याय, डॉक्टर चेतन मीना, टीबी एंड चेस से डॉक्टर गोविंद सिंह राजावत, गायनी से डॉक्टर सुमन बाला, डॉक्टर ज्योति सैनी और डॉक्टर अलका बत्रा को कार्य व्यवस्था के तहत भेजा है आरयूएचएस। संयुक्त शासन सचिव जगदीश सिंह मोगा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। तो अहम खबर है, बड़ी खबर है, आखिरकार आरयूएचएस के आए हैं अच्छे दिन। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद यह बड़ा प्रशासनिक फैसला देखने को मिला है, और चलिए इस खबर पर अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। विकास, कह सकते हैं कि आरयूएचएस के अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि जिस तरह से दौरा मुख्यमंत्री ने किया था और अब यह बड़ा प्रशासनिक फैसला और फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्या फायदा होगा आरयूएचएस को इससे? देखिए, बिल्कुल, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों के अच्छे दिन आते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां का दौरा किया था पिछले दिनों, और दौरा करने के बाद में जिस तरह से बजट के अंदर पहली तहरीज दी गई, वहां पर 200 करोड़ रुपए आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के लिए जारी किए गए हैं। उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वहां पर फैकल्टी की, उसका स्थायी समाधान करने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। अभी अगर बात करें आज की, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि फर्स्ट लाइन सबसे पहले इस बात के संकेत दिए थे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से फैकल्टी को आरयूएचएस शिफ्ट किया जाएगा, ताकि एसएमएस का बर्डन कम किया जाए, और साथ में आरयूएचएस जो कि एक राजस्थान के लिहाज से देखें तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से देखें तो बेहतरीन बिल्डिंग तैयार की गई थी, लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, जिसके चलते उसको पूरी तरह से फंक्शन नहीं किया जा सकता था। तो एसएमएस 16 जो वरिष्ठ चिकित्सक है जो कि एसएमएस में काम कर रहे थे, उनको तत्काल प्रभाव से कार्य व्यवस्था के तहत आरयूएचएस भेजा गया। अगर बात करें इन डॉक्टर्स की, तो लीनेश्वर हर्षवर्धन बड़ा नाम है, मेडिसिन के बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको आरयूएचएस भेजा गया। इसके अलावा आराधना शर्मा है, सुचित्रा गढ़वाल है, उसके अलावा सोहन शर्मा, कार्डियोलॉजी से सोहन शर्मा का नाम आरयूएचएस के लिए चिन्हित किया गया है, गैस्ट्रोलॉजी से, सर्जरी से, न्यूरो सर्जरी से, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक मेडिसिन, और साथ में टीबी एंड चेस्ट और गायनी, यानी तमाम जो संकाय है जो कि एक अस्पताल को रन करने के लिए जरूरी होते हैं, उनसे वरिष्ठ जो प्रोफेसर है और वरिष्ठ चिकित्सक है उनको वहां भेजा गया, शिफ्ट किया गया है। और ये एक मंशा को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने बजट में जो घोषणा की थी 200 करोड़ की, उसमें मंशा जाहिर कर दी थी कि आरयूएचएस को एसएमएस के विकल्प के रूप में डेवलप किया जाना है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री जब वहां दौरा करने गए थे तो उन्होंने वहां पाया था कि सिर्फ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने के बावजूद सिर्फ 50 मरीज वहां पर भर्ती थे, और इस पूरे मामले को फर्स्ट लाइन लगातार उठाता आ रहा है। उसके बाद अभी बड़ा फैसला लिया गया जिसमें 16 डॉक्टर, क्योंकि देखिए अभी हालांकि संख्या बहुत कम है लेकिन प्रयास शुरू किए गए हैं, 16 वरिष्ठ चिकित्सकों को, अगर ये 16 वरिष्ठ चिकित्सक हैं इनको भी अगर आरयूएचएस में शिफ्ट किया जा पाएगा इस ऑर्डर के तहत, तो काफी राहत मिल सकती है, क्योंकि मरीजों के लिए एक डॉक्टर का बैठना यानी करीबन 200 से 250 का ओपीडी होना, तो यह मान के चलिए कि सारे डॉक्टर अगर वहां जाते हैं और पूरी तरह से काम फंक्शन होता है, तो आरयूएचएस का जो आरयूएचएस है वो एसएमएस का विकल्प बनेगा। जो एसएमएस के अंदर जो क्राउड की सबसे बड़ी समस्या है उसको वहां से डाइवर्ट करके आरयूएचएस में भेजा जा सकता है। जी विकास, दो बातें और आपसे समझना चाहेंगे। फुल टाइम सर्विस इन डॉक्टर्स, 16 डॉक्टर्स की रहेगी आरयूएचएस में, यानी पूरा वक्त यहां पर ये दे सकेंगे। दूसरा कि अब क्योंकि एसएमएस के विकल्प के तौर पर आरयूएचएस को डेवलप करना है, तो क्या माने आने वाले वक्त में और भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको यहां पर भेजा जाएगा, ताकि व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रह सके और विकल्प के तौर पर मजबूती के साथ देखा जा सके आरयूएचएस? श्वेता, देखिए ये जो पूरा मामला है, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, आरयूएचएस जो है इंडिपेंडेंट उसमें संगठक कॉलेज जो है वो आरयूएचएस के अधीन आता है, तो यानी कि दोनों में स्थायी रूप से डॉक्टर नहीं भेजे जा सकते। ये कार्य व्यवस्था के तहत ऑर्डर जो जारी किया गया उसमें कार्य व्यवस्था का नाम लिया गया, लेकिन साथ ही सीएम ने उसी दिन ये डायरेक्शन दे दिए थे कि जो यहाँ रेगुलर फैकल्टी भर्ती की जानी है उसका प्रोसेस शुरू किया जाए, और उसमें जो भी पेज फंस रहे हैं, चाहे वो कानूनी पेज फंस रहे हैं, चाहे वो तकनीकी पेज फंस रहे हैं, उन सभी का समाधान करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। तो यानी कुल मिला की बात करें पैरेलल व्यवस्था शुरू कर दी, एक तरफ जहां पे कार्य व्यवस्था में डॉक्टर लगाए गए ताकि वहां का अस्पताल जो उसको रन किया जा सके, साथ ही जो वहां की फैकल्टी
फैकल्टी, रेगुलर फैकल्टी की जो भर्ती करनी है उसकी प्रक्रिया जो है उसको भी जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद जारी है। और तीसरा, वित्तीय प्रावधान इसके लिए किए गए, कुल 200 करोड़ रुपए बजट के अंदर आरयूएचएस के लिए किए गए, यानी कि तीनों तरफ से प्रयास किए गए कि कैसे भी करके आरयूएचएस अस्पताल जो है, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज है, उसको पूरी तरह से फंक्शन किया जाए ताकि मरीजों के लिए, खासतौर पर जयपुर दक्षिण के जो लोग हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में, बेहतर चिकित्सा विकल्प के रूप में आरयूएचएस को खड़ा किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।